हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वन अनदर ब्लॉग। और जैसे कि आप देख रहे हो, आज सुबह सुबह ना पूरी रात बर्फ़ पड़ती रही है और कितनी हैवी हैवी बर्फ़ हो गई है। तो मतलब जब मैं सुबह उठी तो अच्छा खासा पूरा वाइट वाइट हुआ हुआ था और ऊपर तो डलहौजी तो लगी हुई थी उस टाइम पे। और ये देखो, लाइट थी नहीं तो फिर कैंडल लाइट जो है ना वो जलानी पड़ी है, और गैस पे ही करना पड़ा, नहीं तो मैं चाय जो है ना इंडक्शन पे बनाती हूँ, आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में। और मैं अभी चाय बना रही थी तो जैसे बाहर की तरफ ध्यान गया ना तो स्नोफॉल जो है ना फिर से शुरू हो गया था और हैवी वाला हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो थोड़ा सा आपके लिए कैप्चर किया है। देखो, जो स्नो जब पड़ती है ना तो जब हम बहुत जूम करते हैं तब जाके दिखती है, जो काफ़ी तेज़ पड़ रही थी तो मैं बस वही दिखा रही थी आप लोगों को। और मतलब इसको भी एक देखना, इसको फील करना, ये नया ही एक्सपीरियंस होता है। मतलब जितनी बार आप देखते हो उतनी बार आपको बहुत अच्छा फील होता है, अच्छा सा मतलब मूड अच्छा सा हो जाता है ना जैसे। तो ओ देख, बर्फ पड़ रही है ना, अंदर आ जा, उधर आ जा, नहीं तो आपके पास बैठ बीमार हो जाएगा, नहीं तो सुनता नहीं फिर तू। जरा मेरे को आने दे बाहर, अंडे तेरे मैं निकालूंगा। कैब लगाने को बोल दूं मैं तो। तो मैं ब्रेकफास्ट पे बना रही थी आज सूखे चने। मैंने कहा चलो सूखे चने बना लेते हैं, क्योंकि सूखे चनों का भी अपना ही टेस्ट होता है। सब्जी तो पड़ी थी रात की, लेकिन साथ में मैंने सूखे चने बनाए और शाम को जो है ना गोभी और मटर बनाए थे, साथ में चने की दाल थी तो वो भी। फिर मैं इनको खाना दे रही थी तो बोलते थोड़े से वो भी दे दे, दाल भी दे दे साथ में। तो सूखा सूखा जो है ना, सूखा सूखा नहीं खैर खाने को अच्छा लगता, तो बस यहाँ पर जो है ना दाल भी गर्म करके दे रही थी मैं और साथ में चपाती भी बना रही थी। तो ठंड है, ठंड में ना खाना गरम गरम ही अच्छा लगता है। मतलब ठंडा हो जाए तो फिर मुँह का टेस्ट भी वैसे ही हो जाता है ख़राब। और अभी भी ना मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ इधर, आप लोगों को मतलब एडिटिंग कर रही हूँ तो लाइट है नहीं है। और नहीं तो तेरी क्लास के लिए मैंने कर रखी है वो। नहीं वो पार्टी जाती है। नहीं नहीं लाना, मतलब उसको रहने दे, रहने दे, होने दे अभी। बर्फ चीज वो क्या आ गया ना पूरा। चल छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको, होने दे ना एक बारी। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको अपने कॉलेज का व्यू। देखो कॉलेज मेरा पूरा स्नो से कवर हुआ हुआ है। और हम लोग क्या है कि फ़ोटो सेशन करने के लिए आए थे थोड़ी देर, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ व्यू भी मैं शेयर कर देती हूँ। और सामने ही आर्मी कॉलोनी है और ये देखिए ज़रा कितना सही हुआ हुआ है। और बस उसके बाद मैं लंच के लिए आ गई थी घर और ये लगी हुई थी टीवी देख रही थी, तो मैं इसको वैसे ही छेड़ रही थी कि तूने कुछ किया है क्या आज। इसने और हैंसी ने दोनों ने मिलकर रील बनाई हुई है, तो मैं इसको वैसे ही छेड़ रही थी कि अच्छा तूने मेकअप किया था आज क्या। तो बोलती नहीं नहीं कोई मेकअप नहीं किया, आपको ऐसे ही लगता रहता है। मुझे दो दिन के बाद तो आज कंघी की थी मैंने, तो मैं वैसे ही छेड़ रही थी कि तूने लिपस्टिक लगाई हुई है, तो बस फिर चिढ़ के बैठ गई। ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद हो जाता है इसका मूड थोड़ा सा चेंज। देखो ज़रा रास्ते का हाल, ये देखो ज़रा, ये देखो पानी वाली बर्फ़ है। सुबह पूरा रास्ता कवर था लगभग, ये देखो मेल्ट हो गई है। एवरीवन, वेलकम बैक टू वन अनदर ब्लॉग। और अभी है शाम के 7 बज गए हैं और बाहर बर्फ़ ही बर्फ़ है जैसे कि आप देख चुके हो ब्लॉग में। और ज़्यादा कुछ ब्लॉग को शूट नहीं किया हुआ है। और अभी खाना बना रही थी मैं, तो बस दाल को जो है ना आलू चने बनाए मैंने, काले वाले चने को तड़का लगा के हटी हूँ। अब आटा गूंदना है मेरे को थोड़ा सा, और लाइट नहीं है क्योंकि ऐसे बर्फ़ के मौसम में लाइट की दिक्कत होती होती है। तो यहाँ तो फिर भी इतनी बर्फ़ नहीं है क्योंकि जो हुई थी थोड़ी बहुत आधा आधा फुट जो पड़ी थी वो चने की
सीटी लग पड़ी लगने, और क्या है कि ऊपर ऊपर ज़्यादा है, डलहौजी वाली साइड तो बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से लाइट नहीं है क्योंकि तारों पर जो है ना बर्फ़ अच्छी खासी जम जाती है, तो बर्फ़ देखने को तो अच्छी लगती है लेकिन उसके बाद दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इस बार तो ये थर्ड टाइम है जो बर्फ़ अच्छी खासी पड़ गई है यहाँ पर, और काफ़ी सालों के बाद ऐसा हुआ है जो कंटिन्यू बर्फ़ पड़ी है। तो ये है सगड़ी जली हुई, सगड़ी बस बुझने वाली हो गई है, और आटा भी मैंने भून लिया है, और ये है अंडे, अंडे लाए हैं ये भी, एक्चुअली आराम से रखना पड़ता है ना, टूट ही ना जाए कहीं। और चने भी मेरे बन ही गए लगे, और सुबह के लिए मैंने तड़का लगा के अभी रख दिया, सिर्फ इसमें नमक ऐड करूँगी मैं, और सुबह जो है ना सब्जी बनाने के लिए गोभी मटर, आप भी बोलोगे रोज रोज गोभी खाते रहते हैं। तो लाइट आने वाली है नहीं, लाइट का कोई नाम निशान है नहीं, और फ़ोन की लाइट से काम चलाना पड़ रहा है, और अब मैं बना लेती हूँ चपाती और साथ में ब्लॉग एंड मैं सोचा कर ही देती हूँ आज, छोटा सा ही सही ब्लॉग अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि लोगों को इंतज़ार रहता है ना कि चलो ब्लॉग नहीं आया या क्या है, ब्लॉग देखने को मिल जाए तो फिर उनको जाता है कि चलो अच्छा है ब्लॉग तो मिल गया देखने को, क्योंकि लाइट नहीं है टीवी नहीं है तो कैसे करके करेंगे। तो बस अब यही मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ, और अब आपसे मिलूँगी कल नेक्स्ट ब्लॉग में, और अभी क्या है कि अभी का ब्लॉग जो है यही पे एंड कर देते हैं, खाना गर्म बना लेते हैं और टाइम से जो है रजाई में घुस जाते हैं क्योंकि ठंड में, और करेंगे भी क्या। तो फिर मिलते हैं मैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई रखें, और वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।